के लिए स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। ब्लॉग अभी से स्टार्ट हुआ है, दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे लंच में बनना है हमारे घर में बड़ा पाव, जो आजकल बहुत फेमस है। सब जगह बड़ा पाव आपको सुनने को मिल रहा हो। तो यहाँ पे बड़ा पाव में क्या क्या बन रहा है, तो सबसे पहले तो हमने मसाले तैयार किए हैं बड़ा पाव का। वो उसमें बूंदी लहसुन को पूरा भून के डाले हैं, साथ में आप मसाला जो खाते हैं उसको यूज कर सकते हैं, तो उससे हम मसाला तैयार किए हैं। साथ में आलू को मसाला पहले ही फ्राई करके आलू में मिक्स कर दिए हैं, और यहाँ पे उसको शेप बना रहे हैं। हमारे घर में ना बड़ा पाव सबको फेमस है, एक उल्टा बड़ा पाव बनाते हैं कि ये नॉर्मल बड़ा पाव, तो दोनों बड़ा पाव हमारे घर में ना सब कोई खाता है, और ऋषि को स्पेशली बहुत पसंद है। यहाँ से बेसन का घोल जो देख रहे हैं एकदम थिक किए हैं, एकदम पतला भी नहीं किए हैं। और आज सुबह में ब्रेकफास्ट जो हुआ था हमारा, ऋषि के लिए बनाए थे सैंडविच, वही सैंडविच वो ले गया और हम लोग अपना वही सैंडविच खाएं। और आज उसकी छुट्टी जल्दी जल्दी हो जाता है ना, क्योंकि फ्राइडे को उसका हाफ डे ही रहता है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, तो चलिए यहाँ पे बन रहा है पूरा बड़ा पाव, गर्मा गर्म बन रहा है। और आप लोग बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो। यहाँ पे ये देखो क्या मस्त छन 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 आ रहा है। तो बनाना ईजी है, थोड़ा सा मेहनत लगता है, और मसाले को ना आप पहले से तैयार करके ना उसको स्टोर करके भी रख सकते हो आराम से ना, 2 वीक तक वो मसाला चलता है। तो यहाँ पे ये देखो पाव का जो ये क्या बोलते हैं उसको, आलू का जो कलर आया ना, टेक्सचर एकदम मस्त, बेसन का कलर इसको फ्राई जो किया ना मस्त मस्त लग रहा है। और बेसन थोड़ा भी पतला होता है ना तो क्रिस्पी नहीं बनता है। अगर आपको और क्रिस्पी करना है तो थोड़ा इसमें ना आप ना ये चावल का आटा, जो चावल का आटा होता है ना उसको मिक्स कर दीजिएगा ना, तो भाई क्या क्रिस्पी बनेगा ना, खतरनाक अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी लगता है। आप लोग बताना कि आप लोग कौन कौन घर में बड़ा पाव बनाते हैं। इंडिया में तो ये सब तो भाई आराम से मार्केट में जाके खा लेते हैं, यहाँ पे कुछ देखते हैं ना तो फिर आपको हाथ पैर खुद चलाना पड़ेगा, मतलब खुद बनाना पड़ेगा, तब जाके आप खा पाओगे। तो चलिए यहाँ पे इसको फ्राई करते हैं। तो तक इधर हमारा पाव सिका गया है, पाव को यहाँ पे बटर लगा के हल्का रोस्ट कर लिए हैं, और यहाँ पे ऐड करेंगे चटनी, ग्रीन चटनी जो अपने गार्डन से पुदीने तोड़ के और उसमें कोरिएंडर मिक्स करके ये चटनी बनाई है, देख रहे हो चटनी। और इसमें एक मिर्ची यूज किए, ज़्यादा नहीं किए क्योंकि रिशित ना फिर वो तीखा नहीं खाएंगे, यहाँ पे एक ही मिर्ची यूज किए। साथ में ये जो मसाला बनाया ना भाई, इस मसाले का जो टेस्ट आता है ना भाई वो बहुत ही यम्मी लगता है। आप लोग भी ऐसे बना के, लहसुन का जो टेस्ट आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा बड़ा पाव तैयार है, मुँह में पानी आ रहा होगा ना, साथ में ऊपर से फ्राई किया हुआ मिर्ची जब तक ना जाए तब तक टेस्ट का मजा नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, सही बोले कि नहीं? क्योंकि सब तो कमाल उस मिर्ची का है, बड़ा पाव में मिर्ची ना हो तो भाई मजा ही नहीं आएगा। और यहाँ पे झाजी को सबसे पहले दे देते हैं, ये झाजी का तैयार हो गया, और ये यहाँ पे ये मेरा थाल तैयार हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं बीन्स हमारा आ चुका है, ये देखो अभी आ रहा है, यहाँ आ चुका है, साइड थोड़ा थोड़ा अभी आना बाकी है। ऊपर आए हैं क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा धूप था, अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, देख रहे हैं। तो अभी आए हैं प्लांट लगाने के लिए, और यहाँ पे बीन्स दिखा दी आपको, और ये दिखाते, देख रहे हैं गर्मी में पेड़ सब भी ये झुलस गया है। बैगन लगाना है, बैगन बड़ा हो गया, ये देखिए ये रहा हमारा बैगन, बैगन और ये है मिर्च, सबको ना अभी बाहर में डालना है क्योंकि अब लगता है ना, ये देख रहे हैं बेचारा हिल डोल रहा है, अब इसको बाहर डालना बहुत ज़रूरी हो गया है, समझे? तो इसको डाल देते हैं। तुलसी ये मिर्ची भी बहुत आया है, ये भी आप देख रहे हैं एक जगह बहुत ज़्यादा निकला है, अब ये झुलसेगा, उससे पहले ख़राब हो, इतना मेहनत लगा है ग्रो करने में, इसको सबको बाहर डाल देते हैं, समझे? इस बार सोचे ना बैगन नीचे नहीं डालेंगे, जितना भी बैगन है ना सबको ऊपर डालेंगे, क्योंकि नीचे ना जगह नहीं है बाबा, नीचे अभी दो कितना 4 लौकी लगा हुआ है, और लौकी सोच रहे हैं ग्रो करेगा तो वो लगाएंगे, 2-3 फ्लावर लगाना है, ये सब लगाना है। तो हम सोच रहे हैं कि इस बार बैगन जो भी है ना, और लास्ट टाइम देखे ना ऊपर का ना अच्छा ग्रो किया था पॉट में,
लैंड में डाले थे उससे ज्यादा अच्छा ना बैगन यहाँ पे निकला था, ये वाला पॉट में, ये बड़ा वाला में, तो इसी में डालते हैं। तो चलिए सबको लगाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं सबको क्लीन करके रखे हैं यहाँ पे, जितना है ना पॉट सबको क्लीन वगैरह करके रखे हैं कि बस हमारा प्लांट ग्रो करे और हम लगाएं जल्दी से। तो वो और अभी का ना वेदर ठीक दिख रहा है, कल थोड़ा बारिश है बट टेम्परेचर 27 डिग्री है, और उसके आगे भी बोल रहा है कि मतलब वही 19, 20, 25 के आसपास रहेगा, तो टेम्परेचर तो ठीक है। हाँ डाउन नहीं जाना चाहिए, डाउन जाएगा तब फिर प्रॉब्लम है मेरे लिए। तो चलिए सारे प्लांट में पहले पानी देते हैं और उसको लगाते हैं, अब फिर आपसे रूबरू होते हैं। फाइनली हमारा बैगन एकदम ग्रो कर गया, हमें लगा नहीं था ऐसा वेदर देख के ना कि हमारा ये ब्रिंजल ग्रो भी करेगा, लेकिन फाइनली हो गया। इससे पहले जो सीड डाले थे ना वो कितना ज़्यादा नहीं डाले थे, 4-5 ही डाले थे, लेकिन बिल्कुल ही ग्रो नहीं किया। तो अभी अब इसको लगा देते हैं, क्योंकि देख रहे हैं एक ही पॉट में लगाए ना सब, तो अब मतलब ग्रो करने के लिए इसको स्पेस चाहिए, ग्रो भी नहीं कर रहा था और सब एक दूसरे में उलझ रहा था। तो हम सोचे अब टेम्परेचर अच्छा है तो इसको बाहर में दे देते हैं। और आप लोग का एक कमेंट आता है कि सारा काम आप ही करते हैं तो झाजी क्या करते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। तो सबसे पहले बता दें झाजी का अपना काम होता है, मेरा अपना काम है, झाजी का ऑफिस रहता है, बहुत सारा काम, उनका अलग काम है मेरा अलग काम। जब उनका काम अपना काम से बच जाता है, ऑफिस से टाइम बचता है, तो वो मेरा हेल्प कर देते हैं, जितना उनको आता है उतना वो हेल्प करते हैं। और ये काम सब मेरा है, ये चाहे वो गार्डनिंग हो, घर का हो, ये सब मेरा काम है, तो मेरे को अच्छा लगता है करना। हाँ जहाँ भारी चीज़ है उठाना मेरे से नहीं होगा, उसमें झाजी पूरा हेल्प कर देते हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि झाजी काम नहीं करते, बहुत करते हैं, जितना आता है उतना करते हैं। तो चलिए अच्छा है, आप लोग कम से कम ध्यान तो देते हैं कि भाई सारा काम खुद ही करती है। नहीं एक कमेंट था आयरन लेडी, आप तो कुछ तो रुक जाओ आराम करो, कुछ तो झाजी को भी करने दे दो। तो थैंक यू आपने मेरे को आयरन लेडी बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट क्या होता है ना, झाजी का अपना है, मेरा काम अपना है, सबका अपना 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 काम बटा हुआ है। हाँ जहाँ नहीं होता वहाँ सपोर्ट करते हैं, और भाई झाजी के बिना ये घर भी नहीं चल सकता है ना, तो झाजी का पूरा सपोर्ट है इस घर में। तो बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिएगा, और जैसे जैसे हमारे गार्डन का अपडेट होता है, जैसे जैसे कुछ भी होता है, हम आप लोग के साथ शेयर करते रहते हैं। और यहाँ पे जितना सारे प्लांट लगाए हैं, मेहनत बहुत है, क्योंकि नीचे भी लगाए हैं ऊपर भी लगाए हैं, सब जगह पानी देने का काम। तो चलिए झाजी ने लास्ट ईयर वो ड्राम खरीदे हैं जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, साथ साथ पानी का कनेक्शन भी अब ऊपर कर दिए हैं, तो अब पानी देने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो जो मुश्किल वाला काम है ना, उसमें सहूलियत वाला काम वो कर दिए हैं, वो सब हेल्प कर देते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होता था पानी डालने का, स्पेशली यहाँ ऊपर में, लेकिन अब पानी का कनेक्शन भी हो गया है, स्टोर भी होता है, तो अब प्रॉब्लम नहीं है। ये सब हेल्प किए ना, ये सब कौन हेल्प किया, ये सब झाजी ही किए। चलिए फटाफट लगाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं आपको पूरा। देख रहे सब लग गया, क्लीन वगैरह सब कर दिए यहाँ पे, देखो देखते हैं सारा सब कुछ लगा दिए। तो वो क्या कहते हैं, मिर्ची, दोनों बैगन वाइट वाला और पर्पल वाला सब लगा दिए, कितना सरवाइव करता है वो देखना है। चलिए अब चलते हैं नीचे, चाय वाय बनाते हैं, खाना उना भी बनाना है। 7:30 बजे लग रहा है, 7:30 बजे, इतना मस्त धूप है। एक चीज दिखाते हैं, बैलून, वो देखो बैलून राइड, बैलून राइड, मेरा कैमरा का जूमिंग मस्त है। वो दूर है उतना पहाड़, फिर भी दिख रहा है, बाप रे बाप, जबकि वो बहुत दूर है। ये वाला कैमरा का जूमिंग कितना मस्त है, ये
वाला जो घर दिख रहा है ना उसके पीछे वो पहाड़ है ग्रीन वाला, वो दिखाए इतना जूम करके। इस कैमरा का जूमिंग खतरनाक है भाई। चलिए चला जाए। चलिए सारा काम तो हमारा हो गया और चाय चढ़ा दी है। और जाजी बोले कुछ बनाने के लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉपकॉर्न बन रहा है, क्योंकि भाई डिनर भी तो करना है, तो ये सिंपल सीधा चाय के साथ खाने में मज़ा आता है, तो यहाँ पे पॉपकॉर्न बना रहे हैं। और ये ना हमारे घर में नॉर्मली शनिवार को बनता है, लेकिन आज थोड़ा सा बना रहे हैं क्योंकि झाजी को चाहिए कि चाय के साथ कुछ नाश्ता। हम बोले अभी तो नाश्ता नहीं बनेगा क्योंकि 7:30 बज चुका है, और यहाँ पे बस चाय चढ़ा दिए और साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे, थोड़ा सा ही बनेगा। क्योंकि क्या होता है ना, अभी कुछ खाना है भी अगर खा लिए ना तो फिर डिनर में लेट हो जाता है। एक तो ऐसे ही आजकल गर्मी में ना इतना लेट हो जाता है, क्योंकि 8:30 9:30 तक तो एकदम धूप ही रहता है, किचन में जाने का भी मन नहीं करता है, खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। और फिर रात में क्या होता है, 11:30 12 बज जाता है, इतना लेट होता है। इसीलिए भाई थोड़ा सा बस चाय के साथ ये क्या कहते हैं पॉपकॉर्न बन रहा है। और बहुत लोग ना पूछे थे कि ये पॉपकॉर्न मशीन कहाँ से लिए हैं, तो ये पॉपकॉर्न मशीन ना हमने अमेजन से लिया था। अभी मेरे को याद नहीं है कि इसका प्राइस कितना है, क्योंकि हमने कितने 4 साल पहले लिए थे और अभी तक ये अच्छा वर्क कर रहा है, मतलब 4 सालों से अच्छा वर्क कर रहा है, अच्छा कंडीशन में भी है। तो आप अगर लेना चाहें तो अमेजन पे आप देख सकते हो। और इंडिया में पूछ रहे थे लोग, तो इंडिया में भी ना फ्लिपकार्ट पे मिलता है, सिमिलर है, एकदम सेम ये नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अलग मिलेगा। लेकिन आपको इंडिया में भी ना फ्लिपकार्ट पे दिखता है, अमेजन पे भी दिखता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर जो इंडिया से हमारे वीडियो देख रहे हैं, जो पूछे कि ये पॉपकॉर्न मशीन आप कहाँ से लिए हैं, तो हमने बता दिया कि जर्मनी में आप अमेजन पे देख लो, इंडिया में फ्लिपकार्ट या अमेजन पे देख लो। और घर का बना हुआ पॉपकॉर्न तो भाई मज़ेदार तो होता है ना, गर्मा गर्म पॉपकॉर्न, चाय, साथ में मूवी, टाइम में मूवी जब देख रहे हो उस समय पॉपकॉर्न खाइए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, और मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में। और वीडियो हमारा कैसा लगता है ये तो कमेंट करके बताते रहिएगा। चलिए नमस्कार।